नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर क्लिक। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। सीएम ने सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें, अगर आप बिना कारण घर से बाहर निकलते हैं तो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध कारणों के बिना घर से बाहर निकलने वालों को कोविड रोधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे लोगों को मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने सभी जिलों के पुलिस आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। इस वीकेंड कर्फ्यू में शादी समारोह प्रभावित नहीं होंगे। जो शख्स वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दिए गए आदेशों का पालन नहीं करेगा, उन पर DDMA के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में पहले ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कोविड हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। पुलिस मुख्यालय में 01123469900 नंबर पर हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस प्रमुख ने शुक्रवार को रात 10 बजे वीकली कर्फ्यू की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही ये निर्देश दिए थे। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई बिना वैध कारणों के घूमते हुए पाया जाता है तो मामला दर्ज किया जाएगा और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य, डिजास्टर कंट्रोल, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई, हवाई, रेल और बस से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। इसके अलावा सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज और कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों को भी छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैध टिकट दिखाने की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को भी छूट होगी। अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। इनके लिए किसी भी तरह का ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।